अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चिकन के शौकीन तो सभी हैं और चिकन की अलग अलग वैरायटीज भी हम बनाते हैं। आज ऐसी ही चिकन की रेसिपी लेकर आई हूं मैं, जिसे बनाना भी बहुत ही आसान है। बहुत ज़्यादा इसमें इंग्रेडिएंट्स की हमें ज़रूरत भी नहीं और टेस्ट ऐसा कि भूख से ज़्यादा खा लें आप। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज की ये आसान सी रेसिपी जिसका नाम है मसाला चिकन। और मसाला चिकन बनाने के लिए हम लेंगे 1 kg चिकन, और चिकन के पीसेस को खूब अच्छी तरह से हमने साफ कर लिया है और धुल लेने के बाद इसे किचन टॉवल से एक बार हम ड्राई कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 tablespoon अदरक, 1 tablespoon दही और 1/2 teaspoon हम इसमें डालेंगे नमक, और इसे हाथों से अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद इसे ढक कर हम साइड कर देते हैं। इसके बाद हम लेंगे 2 टमाटर, 4 प्याज और 4 से 5 साबुत हरी मिर्च। सबसे पहले प्याज को हम स्लाइस में कट कर लेते हैं, इस तरह से हमें प्याज को कट कर लेना है। इसके बाद टमाटर को चॉप कर लेते हैं। और अब हरी मिर्च को बीच से हम कट करेंगे इस तरह से। अब हम ले लेते हैं एक पैन या फिर कढ़ाही और इसमें डाल देंगे 1/2 cup सरसों का तेल और कुछ साबुत मसाले, 2 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची और 3 से 4 हम इसमें डालेंगे लौंग। उसके बाद ऐड कर देंगे इसमें हम प्याज, और इसे हम ब्राउन कलर आने तक, यानी गोल्डन ब्राउन कलर आने तक प्याज को फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसमें ऐड कर देते हैं 2 teaspoon लहसुन का पेस्ट, और प्याज के साथ थोड़ी देर इसे हम कुक कर लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले, 1 teaspoon हल्दी पाउडर, 1 teaspoon लाल मिर्च पाउडर, 1 teaspoon डालेंगे हम धनिया पाउडर, और इसे थोड़ी देर मसालों को हम कुक कर लेते हैं तेल में। थोड़ा सा पानी इसमें डालकर हम कुक करेंगे मसालों को। और अब हम इसे थोड़ी देर कवर कर देते हैं ताकि प्याज हमारा अच्छी तरीके से गल जाए। अब खोलकर एक बार मिक्स कर लेते हैं इसे। इसके बाद इसमें ऐड कर देते हैं चॉप टमाटर, और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/2 teaspoon नमक। नमक डालने से टमाटर हमारे बहुत जल्दी गल जाएंगे। अब इसमें हम डाल देते हैं 1/2 teaspoon कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे चिकन का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब एक बार फिर से इसे हम ढक देते हैं ताकि टमाटर हमारा अच्छी तरीके से गल जाए। टमाटर भी हमारा मेल्ट हो चुका है, एक बार अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन के पीसेस। और अब चिकन के पीसेस को मसालों के साथ हम थोड़ी देर फुल फ्लेम पर, यानी हाई फ्लेम पर इसे हम कुक करेंगे ताकि चिकन में जो भी स्मेल है वो निकल जाए। और थोड़ी देर कुक करने के बाद इसे हम ढक देते हैं। और साथ ही अब इसमें ऐड कर देते हैं हरी मिर्च, और 1 teaspoon अब डाल देते हैं इसमें गरम मसाला। थोड़ी देर इसे और कुक कर लेंगे इसी तरह से हम। और अब इसे थोड़ी देर ढक देते हैं ताकि चिकन के पीसेस भी हमारे गल जाएं। अब आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, चिकन हमारा तैयार है, चिकन से ऑयल भी रिलीज हो चुका है। आप चाहें तो चिकन को इसी तरह से सर्व कर सकते हैं। ये पराठे के साथ और नान के साथ, पूड़ी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। ये हो गया हमारा चिकन भुना मसाला, इसे ड्राई ही हम सर्व करेंगे। तो देखा आपने कितने कम इंग्रेडिएंट्स में, जो आम तौर से हमारे किचन में मौजूद होते हैं, हमें कुछ खास इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मज़ेदार, डिलीशियस चिकन बनकर रेडी है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार रेसिपी को, और इसे पराठे और नान के साथ सर्व करें। लेकिन अगर आप राइस के साथ खाना चाहते हैं तो आप इसमें ग्रेवी भी लगा सकते हैं, दोनों तरह का ऑप्शन है। अगर आप भुना मसाला पसंद करते हैं तो भुना रखें, और ग्रेवी पसंद करते हैं तो ग्रेवी लगा लें।
तो कैसी लगी आपको चिकन की ये बहुत ही आसान और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी? रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर जल्द ही मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।